आज की जो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है ब्रश टूल रिलेटेड, कि हमने ब्रश टूल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, टेक्सटाइल प्रिंट्स में या हमने फैशन डिज़ाइनिंग में ब्रश टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है। अब ब्रश टूल बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ऑलरेडी अपने काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुके हैं, जब हमने फैशन इलस्ट्रेशन की शेडिंग की थी स्पेशली, इवन लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसके ऊपर भी जब टेक्सटाइल प्रिंट बनाया था उसमें भी ब्रश टूल से मैंने शेडिंग करना बताई थी। और ब्रश टूल वैसे भी एक आइडिया, आपको जहाँ पर भी आपने पेंट करना है, कोई शेड्स ऐड करने हैं, कोई स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, तो वहाँ पर हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं। अब ब्रश टूल में होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट साइज़ ओपन कर लिया, बल्कि इसे क्लोज करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट साइज ओपन करके मैं आपको बता देती हूँ। फाइल न्यू, इंटरनेशनल पेपर में जाके हम A4 साइज ले लेते हैं 300 में, बल्कि ग्रे स्केल ओपन हो गया है हमें इसका कलर RGB कर लेंगे और इंटरनेशनल पेपर A4 साइज, ठीक है, ओके कर लिया। अब ये यहाँ पे मेरे सामने एक पोर्ट्रेट जो है ओपन हो गया है फोटोशॉप में, एक A4 साइज का पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट। अब इसके ऊपर मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके कोई भी पहले रैंडम जो ब्रशेज हैं वो देख लेती हूँ कि किस तरह से हमने करना है इसे यूज। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास राउंड ब्रशेज आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं ये यूज़ करती हूँ, इसे एक न्यू लेयर क्रिएट करके कलर मैं रख लेती हूँ अपना कोई भी ब्राइट कलर जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आए। ब्रश साइज जो है हमारा हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब ये ब्रश है, ये इफेक्ट आ रहा है इससे। अब अगर तो मुझे ये इस तरह से चाहिए, मैं ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई और ब्रश चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं कोई भी डिफरेंट ब्रशेज हैं वो यूज़ कर सकती हूँ, कि मुझे किस टाइप का टेक्सचर चाहिए, किस टाइप की लुक चाहिए, या मैंने किस तरह के इफ़ेक्ट्स देने विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रश। लेकिन अगर हम देखें अपने ब्रश सेट्स में ही, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के भी ब्रशेज आते हैं। अगर तो किसी के पास ये वाले ब्रशेज नहीं आ रहे डिफरेंट, तो आपने क्या करना है, ब्रश की सेटिंग ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे देखें ये सारे डिफरेंट ब्रशेज हैं, ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एजॉर्टेड, बेसिक ब्रश, कैलीग्राफी, डिफरेंट है। अब इसमें से अगर हम ये वाला ही ले लें स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज, इस पर ओके करना, यस किया, रिप्लेस हो गया। अब ये देखें ये स्पेशल इफेक्ट में कुछ और डिफरेंट टाइप के मेरे पास ब्रशेज आ गए हैं। इसमें से ये हम बटरफ्लाई वाला ले लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं कि किस टाइप की बटरफ्लाई दे रहा है। बहुत इसका छोटा साइज आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक हमारे पास ब्रश लोडेड है, इसमें डिफरेंट साइज ऑफ बटरफ्लाईज हमारे पास आ रही हैं। कर क्या रही हूँ मैं, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग, जिस तरह से हम ब्रश के साथ प्ले करते हैं उसके साथ क्लिक करके मैं इसे कोई भी पैटर्न, कोई टेक्सचर, एनीथिंग, कुछ भी बना सकती हूँ। लेकिन अगर तो हमें इन पैटर्न्स के अलावा, इन ब्रशेस के अलावा कोई और अपना हिसाब का डिज़ाइन चाहिए, कोई भी, जिस तरह से मैंने अगर कोई पेन टूल पे बनाया हुआ है या इंटरनेट से मुझे कोई इमेज अच्छी लग रही है, मैं चाह रही हूँ कि ये मैं एज अ ब्रश यूज़ करूँ, क्योंकि अक्सर हमने प्रैक्टिसिंग में देखा है कि हम कभी कोई इमेज इस तरह की उठाते हैं जिसे हम सिंगल कलर में यूज़ करना चाह रहे हैं, हमें उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, या मुझे वो पूरे बैकग्राउंड में चाहिए सिंगल ही या डबल शेड में, ठीक है। लेकिन जो है वो पिक्चर इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं है, मैं उससे उस तरह से नहीं इफेक्ट दे सकूंगी, या अगर मुझे कोई मोटिव पसंद आया, मैंने उससे कोई भी बॉर्डर वगैरह बनाना है या पूरे ओवरऑल एक प्रिंट बनाना है। प्रिंट मेकिंग का तो खैर, पैटर्न मेकिंग का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्रश अगर हमने कोई प्रिंट बनाना है तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने एक थीम जो आज के इस वीडियो से रिलेटेड सोची है वो है इस्लामिक डिज़ाइंस की। इस्लामिक डिज़ाइंस में क्योंकि हमारे पास काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइंस आते हैं, इनमें मोटिव्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छे पैटर्न्स निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम कुछ इस्लामिक मोटिव्स और इस्लामिक बैकग्राउंड रिलेटेड कुछ प्ले करके ब्रशेस के साथ एक यूनिक चीज़ क्रिएट करके देखें। अब
यहाँ पे मैंने सिर्फ सर्च करना है इस्लामिक डिज़ाइन. आप PNG सर्च करना चाहते हो PNG सर्च कर लो, वेक्टर सर्च करना है, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन सर्च इट. ठीक है, अब इसमें से मैं कोई भी एक ब्रश ले लेती हूँ. जैसे अगर ये है, ये मुझे मोटिव अच्छा लग रहा है, इसे मैं सेव करूँगी और डेस्कटॉप पे इसे हम रख लेते हैं. ठीक है, अब मैं फोटोशॉप में गई, यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर बना दी, फाइल ओपन, और हमने डेस्कटॉप से अपनी ये जो इमेज हमने सेव की है ये सिलेक्ट कर लेनी है. उसका फॉर्मेट भी चेंज है, वो ओपन ही नहीं हो रही. खैर, हम कोई और पिक्चर लेके देख लेते हैं. या जैसे ये है, इस इमेज को मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लूँगी, PNG नहीं है, इमेज फॉर्म में मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग फिलहाल कर सकती हूँ इसकी. ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया. अब ये एक इमेज आ गई मेरे पास. जो बैकग्राउंड लेयर है वो हम हाइड कर देते हैं ताकि हमें इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो नज़र आए. कंट्रोल प्लस से जूम इन करके हमने चेक करना है. यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लूँगी, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया. अब वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करने से क्या हुआ, ये जो वाइट एरिया था ये सिलेक्ट हो गया. लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो इसके अंदर का वाइट एरिया, जो अंदर फिलिंग्स हुई हैं वाइट, वो नहीं सिलेक्ट हुई हमारी, वो यहाँ के आधे पार्ट की हुई हुई है सिलेक्ट. जहाँ से कोई ओपनिंग होगी तो वो उसने डायरेक्ट उसमें क्लिक में ले लिया, लेकिन बाकी एरिया की नहीं सिलेक्ट हुई. अगर मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर में जितना भी वाइट एरिया है वो सारा वाइट एरिया सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं राइट क्लिक करूँगी, सिमिलर को क्लिक कर दूंगी. ठीक है, राइट क्लिक करके सिमिलर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है. अब सिमिलर से क्या हुआ, ये सारा वाइट एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया. डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया. अब हमने सिलेक्शन ख़त्म करनी है. अब हमारे पास सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए दो ऑप्शन है. एक ये कि मैं यहाँ ऊपर से जाकर डिसलेक्ट कर दूँ, यहाँ ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से जाके मैं डिसलेक्ट कर दूँ. दूसरा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, मैं डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा. अब ये जो है एक मेरा मोटिव, ये मेरे पास आ गया है PNG फॉर्म में. इसका अब कोई बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है, अब हम जो बैकग्राउंड लेयर है इसे वापस शो कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं, ताकि हमें जो मेन मोटिव है वो ज़रा क्लियर नज़र आता रहे. अब मैंने क्या करना है, जिस तरह से हमने पैटर्न मेकिंग की वीडियो की थी कि हमने पैटर्न्स किस तरह से बनाने हैं, सेम वही प्रोसेस है इसमें. हमारा एक जो मोटिव है वो फाइनल हो गया. अब मैं जाऊंगी एडिट में, यहाँ पे जाएंगे डिफाइन ब्रश प्रीसेट में. लास्ट टाइम हमने पैटर्न के लिए क्या किया था, हमने डिफाइन पैटर्न किया था. अब हमने करना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट. इस पर क्लिक किया, जो भी इसका नाम देना है वो इसका नाम दे देंगे. ठीक है, इसे मैं कर देती हूँ ब्लू मोटिव के नाम से. इसे ओके किया, अब ये मेरा ब्रश सेलेक्ट हो गया. इस लेयर को मैं हाइड कर दूँ या डिलीट कर दूँ, दैट डजंट मैटर नाउ. अब मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है. अब मैं इसे सर्च करती हूँ कि ये कहाँ पे आया है. याद है यहाँ पे हमारे लास्ट में सिर्फ बटरफ्लाई आ रही थी, कि इसके आगे ये मोटिव हमारे पास एक ब्रश की फॉर्म में आ गया. लेकिन एक बात का ख्याल रखना है हमने हमेशा, कि जब भी हम कोई मोटिव सेव करते हैं ब्रश में, तो वो हमारा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल कलर में नहीं रहता. और ब्लैक एंड वाइट होने में इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए लाइक वहाँ पे तो सिर्फ ब्लैक ही था ना हमारे पास, या सिर्फ ब्लू कलर का था जो हमने इमेज उठाई है. तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको ब्रश वाले सेटिंग में से, मतलब लाइक मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, इधर अगर मैंने पर्पल कलर सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे क्लिक करूँगी एक न्यू लेयर बना के, तो ये यहाँ पे पर्पल कलर में आएगा. अगर मैं इसे स्विच कर देती हूँ रेड में, तो ये रेड कलर में आएगा. ठीक है, मतलब ये इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं इस मोटिव के साथ. अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया. अब देखें, ये तो हमारा मोटिव इस शेप में आया जा रहा है, मतलब इसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है, ये कोई डिफरेंट फॉर्म का टेक्सचर बन रहा है. अब हमने सेटिंग्स इस तरह से कुछ करनी है. ब्रशेस में भी सेटिंग्स होती हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट टूल वगैरह में स्पेस सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें, इस तरह से हमारा ब्रश भी एक ऐसा टूल है, मेन टूल है फोटोशॉप का, जिसकी सेटिंग से ही हम काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं जनरेट कर सकते हैं अपने कोई भी जो हमने क्रिएटिव वर्क करना है.
टेक्सटाइल प्रिंट हो गया, कोई डिजिटल हमने ग्राफिकली बनाना है कुछ भी, हम उसके लिए ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने जाना है न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ब्रश यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था। इसके साथ ही आगे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, एक बॉक्स सा बना हुआ है, एक उसमें कंटेनर है, उसमें तीन ब्रशेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसे मैं क्लिक करूँगी तो ये एक इसका प्रॉपर्टी बार जो है वो ओपन हो गया। अब इस प्रॉपर्टी बार में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये हमारा वही ब्रश सेलेक्टेड है अभी जो हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है, ये वाला ब्रश है। यहाँ इसके कुछ ऑप्शन हैं, लाइक ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, अगर मैं इसकी स्पेसिंग इंक्रीज कर देती हूँ तो ये क्या होगा, मोटिफ में गैप आना शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं इसे जितना ज़्यादा करूँगी उसके बीच में उतनी ज़्यादा स्पेस बनती जाएगी। अब मैं इसकी स्पेस रख लेती हूँ एच टू एच, लाइक जहाँ पे एक मोटिफ ख़त्म हो रहा है उसी के हिसाब से दूसरा मोटिफ स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी राउंडनेस आ रही है, राउंडनेस वगैरह के साथ हमने फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं करना प्ले, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लोग इसे समझना चाहते हो ब्रश टूल को, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि इसमें जितनी भी सेटिंग्स है ना, कोई भी एक दो ब्रशेस बना के उसकी सारी सेटिंग्स ट्राई करो कि किस तरह से टूल में क्या शेप हो रही है। एक दफ़ा ये चीज़ जो है, ये जो बार हमारा ये ओपन हुआ हुआ है, ये समझ आ जाए पूरा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों के साथ प्ले नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा, हम उसे क्लोज़ कर देंगे, नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे, नए पे काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जितनी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी ये सॉफ्टवेयर समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक सेटिंग बना ली, अब यहाँ मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट स्मूथनिंग का है, प्रोटेक्ट टेक्सचर का है, बिल्ट अप, वेट एजेस। अब वेट एजेस से क्या हुआ है, थोड़ा सा वो डार्क शेड में हो गया है, ठीक है। नॉइज में थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे स्टिपलिंग हुई हो, ब्रश पोज है, ट्रांसफ़र है। अब वो साथ साथ हमें यहाँ पे पता लगता जा रहा है कि हम कोई चेंजिंग हो रही या नहीं हो रही। एक ये डुअल ब्रश का ऑप्शन है, ये भी हम ट्राई करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ये टेक्सचर का है, टेक्सचर में थोड़ी सी डल हो जाती है और वैसे थोड़ी सी ब्राइट है, ठीक है। स्कैटर्ड में ये है कि रैंडम, जिस तरह वो बटरफ्लाई वाला हमने ट्राई किया था कि बटरफ्लाई डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग साइजेस में आ रही थी, ये वो है। अच्छा, कलर डायनामिक्स में हमारा क्या होता है कि अभी जब हम पहले ट्राई कर रहे थे तो ये हमारा जो ब्रश है वो सिंगल कलर में आ रहा था, लाइक रेड में। तो अब हम जो रेड और पर्पल, ये दो कलर अगर सेलेक्टेड हैं, ये इन दो कलर्स में हो जाएगा। पहले इस वाले टूल को ट्राई कर लेते हैं, कलर डायनामिक्स को फिर मैंने टिक किया। ये यहाँ से हमारे अब डिफरेंट कलर्स में आ रहा है। अब मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक मैं येलो और रेड की कलर फैमिली में चली जाती हूँ, ठीक है। एक न्यू लेयर क्रिएट की, लेयर टू को हम डिलीट कर देते हैं और इस पर हमने काम किया। अब सारों में क्या हो रहा है, डिफरेंट मल्टी कलर का आ रहा है। ये इस वाले ब्रश में है कि हमारा मल्टी कलर ऑप्शन आ रहा है, वरना जो पहले ब्रशेस काफ़ी जो मैंने भी ट्राई किए उसमें क्या होता है कि हमारे जो वही हैं दो या तीन कलर्स, मतलब जो एक ही कलर के आप समझ लो ग्रेडियंट शेड्स होते हैं, डार्क थ्रू लाइट्स, या उसी कलर फैमिली में कुछ इस तरह के ब्रशेज होते हैं जो उन्हीं कलर फैमिलीज के अंदर ही प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इस तरह का टेक्सचर, इसे कैंसिल करते हैं, वेट एजेस में जाकर सिर्फ देखते हैं हमारा सिर्फ जो सिंगल मोटिफ है वो किस तरह से आ रहा है। इसे भी डिलीट किया, एक न्यू लेयर बनाई, स्कैटरिंग में ट्राई कर लेते हैं। अब कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट पिक कर लूँगी ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। ये अब स्कैटर्ड फॉर्म में आ रही है एक चीज़, इसे भी कंट्रोल भी किया, ये ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं क्या आपको बता रही थी, राउंडनेस का, राउंडनेस अगर हम करते हैं 50, अब देखें पहले जो वो चीज़ आ रही थी राउंड, वो इस तरह से आ रही है फ्लैट ओवल शॉप में, वो जैसे स्ट्रेच हो गई हो, ठीक है। अगर मैं इसे और छोटा करती हूँ 20 पे, वो और छोटी होगी और बारीक होगी। स्कैटरिंग ख़त्म करते हैं हम, तो हमें पता चलेगा कि अब इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसे यहाँ पर एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं कि कैसे है। वो अक्सर वो होता नहीं, टाइल्स दूर से करीब आते आते कोई एक चीज़ वो एक एंगल, एक पर्सपेक्टिव शो कर रही है। ये अब उस फॉर्म में कुछ हमारा प्रिंट आ रहा है, ठीक है। इसे भी कंट्रोल ही किया, राउंडनेस हम इसकी वापस 100 कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ ऊपर एंगल का ऑप्शन है, एंगल को हम क्या करते हैं, 20 का अगर एंगल कर रही हूँ वो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है। मैं एंगल वहाँ से चेंज करूँगी, इधर से इसकी डायरेक्शन जो है
मूव हो जाएगी कि ये कितने एंगल पे जा रहा है। 80 का एंगल ये इधर चेंज हो गया, ठीक है। 10 का एंगल 5 या हम 26 का करते हैं, ये अपनी दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो गया। 70 का एंगल करते हैं वो दूसरी डायरेक्शन, मतलब जितने भी एंगल थे मैं यहाँ से ना ये फ्लिप हुए जा रहा है, मैं यहाँ से भी इसे घुमा सकती हूँ। यू साइड पे व्हील बना हुआ, मैं यहाँ से जोन से भी डायरेक्शन। अब इसे घुमाने का सिर्फ क्या मकसद है कि जो मेरे मोटिव्स हैं इनमें जो ये आपस में जो कनेक्टिविटी का एक पॉइंट बनेगा वो कौन से पॉइंट से आपस में कनेक्ट होकर जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कनेक्शन जो पॉइंट है वो किस तरह से होना चाहिए, लाइक ये चीज़ हमने शो करनी ना जो मर्ज फॉर्म में आ रही है वो कैसी हो। अब ये मेरा एंगल बन रहा है, ये यहाँ से आपस में इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं आपस में जॉइंट आ रहे हैं। अगर मैं इसे वापस रखती हूँ स्ट्रेट एंगल पे, लाइक जीरो मैंने किया, अब ये इस फॉर्म में आ रहा है। मतलब हमारे जो मोटिव का एंगल है, मूव टूल से बता देती हूँ, इसमें ये देखो ये लाइन्स जो हैं, ये डायरेक्शन जो है इसकी वो स्ट्रेट ही आ रही है। बेशक मैं यहाँ पे इसे नीचे लेके गई हूँ लेकिन ये लाइन स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, अब इसमें क्या ये लाइन टेढ़ी, ये सारी जितने एंगल पे मूव किए हुए वो मोटिव उतने एंगल पे आ रही है। ये वाला फ्लावर की जो शेप है ये बाहरी उसी डायरेक्शन में आई जा रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ मेन जो हमारे ब्रश टूल में हैं। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, एक दफ़ा इसे हमने सेटिंग्स कर ली फाइनल, जैसे हम यहाँ से साइड पर करते हैं, ठीक है, इस लेयर को डिलीट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एक न्यू लेयर बनाई। अब मैं इसे यूज़ किस तरह से करूँगी अपने डिज़ाइनिंग में, ब्रश साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके एक पॉइंट पर क्लिक करूँगी अगले पॉइंट तक ले जाऊँगी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया, मैं ब्रश साइज छोटा करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। इससे भी छोटा मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ अब इसके बीच में से निकल के ऊपर तक जाए। शिफ्ट प्रेस किया और क्लिक और ऊपर तक हम ले गए एक लाइन, ठीक है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में हमने अगर स्ट्रेट ले जाना है हम शिफ्ट में ले जाएंगे, अगर हमने राउंड या कोई शेप में करना है तो हम उसके ही अकॉर्डिंग मूव कर लेंगे उसकी डायरेक्शन के, हमें किस तरह की डायरेक्शन में या कैसी शेप में ये जो मोटिव है चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला मोटिव सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस पर मैंने क्या करना है राइट क्लिक कॉपी और इधर ला के कंट्रोल वी कंट्रोल टी, इसे थोड़ा बड़ा किया इधर रखा, मैजिक वॉन्ड टूल से बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ये भी डिलीट और इस तरफ का भी बैकग्राउंड डिलीट, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करना है, एडिट डिफाइन ब्रश प्रीसेट और सैम्पल वन की नाम से सेव कर लेते हैं, ओके कर दिया। इस लेयर को हाइड कर देंगे, ब्रश टूल में जाएंगे वापस और यहाँ से हमने ब्रश अपना सेलेक्ट कर लेना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और ये अब मेरे पास ये ब्रश आ रहा है। कलर इधर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये इसी कलर स्कीम में आ रहा है, रेड को कर लेते हैं तो ये रेड में आ जाएगा। मतलब जो भी हमें कलर वगैरह चाहिए ये अब उस फॉर्म में ही आएगा। इसे डिलीट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर, दोबारा से हम जाएंगे ब्रश सेटिंग्स पे, स्पेसिंग इसकी भी ज़्यादा करके देख लेते हैं, ओवरलैपिंग में भी रख सकते हैं। अगर मैं इतना ओवरलैप करके देखती हूँ कि आपस में अभी तक ओवरलैप है किस तरह की लुक देगा, ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये इतना से बन रहा है मोटिव, अगर मैं इसे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लाऊंगी तो ये कुछ इतना से बन रहा है। मतलब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि हमने किस तरह की चीज़ बनानी है, हम उस एक मोटिव या इस एक एलिमेंट की हम क्या शक्ल निकालना चाह रहे हैं, उससे हम किस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा करके अगर देख लें लाइक इतनी इतने गैप पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपस में भी यहाँ मर्जिंग लुक आ रहा है, छोटा ब्रश करके देख लेते हैं इस तरह से आ रहा है, गैप दे के देख लें कि कितने गैप से हमें चीज़ चाहिए, इस फॉर्म में किस तरह से आ रहा है। अब सब में अगर हम देखें गौर से, सब डिज़ाइन्स में अगर हम देखें, लास्ट को जो किया है यहाँ पे भी मैं ये जूम इन करके दिखा देती हूँ, ये इस फॉर्म में डिज़ाइन आ रहा है। मतलब ये भी जो हमारा है वो आपस में इतना मर्ज है कि वो एक उसकी कंटिन्यूएशन फील हो रही है। जहाँ पे मेरे हाथ से ब्रश में गैप आया था क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया था,
जहाँ से मेरा गैप आया है वहाँ से खुद वो दूर हुआ है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ये वाली चीज़ करती हूँ तो वो एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस के साथ कंटिन्यूएशन में अपनी चले जानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जूम आउट सबसे पहले तो कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस, इसे इधर सेट किया और हमने ये वाली लेयर डिलीट कर दी, न्यू लेयर बनाई, डुअल ब्रश में गए। अब इस ब्रश ने क्या करना है, वही वाला एलिमेंट है, ब्रश साइज जो है वो हम ज़्यादा कर लेते हैं। अब ये देखो ये इसके बीच में क्या कर रहा है, जो सिर्फ उसका जो इनर पार्ट है सिर्फ वो सिलेक्ट कर रहा है। इसकी स्पेसिंग मैं ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि वो एक फ्लो उसका अच्छा बन सके। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे जो इसका सिर्फ ये अंदर का आधा पार्ट है ना टेक्सचर, ये उस आधे एरिया को यूज कर रहा है, इस चीज़ में यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी, स्पेस थोड़ा सा कम करते हैं, कंट्रोल माइनस, न्यू लेयर, हमारी एक शेप चली गई। शिफ्ट प्रेस करके मैं करके दिखा देती हूँ कि क्या इसकी डायरेक्शन बन रही है। इवन कंट्रोल और जी ब्रश साइज बड़ा करके देख लेते हैं क्योंकि वो तो बहुत बारीक लाइन आ रही है, इतने ब्रश साइज पे देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। शिफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन में ड्रैग कर दिया। अब ये इस टाइप का एक मर्ज्ड इफेक्ट आ रहा है हमारे इसी ब्रश का, मतलब वही मोटिव है, हमने सिर्फ यहाँ से सेटिंग्स चेंज करके उसकी कितनी वेरिएशंस निकाल ली। लेयर को भी डिलीट कर दें, जितनी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं सारी हमने डिलीट कर दी। अगर तो मेरे पास ये मोटिव ना हो, मैं कोई इस्लामिक डिज़ाइन इमेजेस में जाना चाहूँ, सिर्फ इस्लामिक डिज़ाइन लिख के सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जो बैकग्राउंड वॉलपेपर टाइप के मोटिव्स आ रहे होते हैं हमारे डिफरेंट, हम वो सर्च कर लेते हैं। लाइक ये एक इमेज है, इसे मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगी, यहाँ से कॉपी किया, फोटोशॉप में ला के कंट्रोल बी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल टी से इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और इसे फिट इनटू शीट कर लेते हैं ताकि बाहर ना निकले। ठीक है, अब ये मेरा ब्रश हो गया एक। अब मैंने इसे क्या करना है, सॉरी ये एक इमेज हो गई है, अब इसमें हमने जाना है एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, सेम उसी तरह से। अब ये इस तरह से आ रहा है हमारा ब्लैक एंड वाइट में, इसे ओके किया, इस लेयर को हाइड, न्यू लेयर, अगेन ब्रश में गए। अब हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लेनी है एज अ ब्रश। अब इसका ये तो साइज़ तो बड़ा है, साइज़ हम कोई भी अपने हिसाब का छोटा साइज रख के कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो वही वाली चीज़ आ रही है जो हमारे बाकी ब्रशेज में स्टार्ट में आती है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, अगेन ब्रश प्रॉपर्टीज, स्पेसिंग हमने ज़्यादा करनी है, इसमें ऐसी अलाइनमेंट हो कि ये एक कनेक्टिविटी में आ रहा हो, और यहाँ से हमने इसे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसमें हम देखें गौर से तो इस तरह से एक शेप बन रही है, मामूली से इसे पीछे करेंगे ताकि जो थोड़ा गैप आ रहा है आपस में वो ना है। अब ये ओवरलैपिंग की तरफ आ गया है, 148 या 49 के ऊपर सेट कर लेते हैं, जो स्पेस आ रहा था वो ना आए। अब बेहतर है काफ़ी। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस। अब ये तो इसकी सेटिंग्स हो गई हैं, ठीक है, और ये ब्लैक में मैं कर रही हूँ तो ब्लैक में आ रहा है, इसे साइड से हटा देते हैं फिलहाल। इस लेयर को डिलीट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर की, और कलर जो है वो हमने ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास इस तरह से इस कलर में आ रहा है, ब्रश साइज बड़ा, ये मोटिव यहाँ से अगेन रिपीट, इसके बाद अगेन रिपीट। अब जो हमने वो ब्रश की प्रैक्टिस की थी
जो पैटर्न हमने क्रिएट किया था टेक्सचर पैटर्न बैकग्राउंड्स, ये वाले ब्रशेस हमारे उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। इससे इस वाले अपने जो इमेज फॉर्म का है इनसे और जो हमने पहले ब्रशेस सेलेक्ट किए हैं उससे एक कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रही हूँ, तो वो मैं किस तरह से बनाऊँगी। ब्रश मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसकी स्पेसिंग आई थिंक ज़्यादा हो गई है, इसकी हम स्पेसिंग कम करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्रश साइज छोटा कर दी। ये एक मोटिफ ट्राई किया यहाँ से और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक यहाँ पे एंगल दे देते हैं स्क्वायर फॉर्म में और इधर सेंटर में ब्रश साइज छोटा करके इस तरह से डार्क एंड लाइट का एक ग्रिड बना दी। अब लेट्स सपोज ये मेरा बैकग्राउंड है, कंट्रोल से करना है। जो हमारे ब्रशेज हैं जो हमने बाकी अपने ब्रशेज सेव किए थे, हम उन्हीं में से कोई भी एक ब्रश पिक कर लेते हैं, ये वाला ले लो या कोई सा भी जो हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है, इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी इसी कलर का मैं ले लेती हूँ, रेड कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर और ब्रश साइज थोड़ा छोटा करेंगे, एक दफ़ा दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे कि इसकी स्पेसिंग क्या है, इतना साइज रख लेते हैं इसका। और यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट एंड ड्रैग, अब मैं सिर्फ उस पॉइंट तक ड्रैग करूँगी कि आगे कटे ना, इसे हमने कंट्रोल टी कर लेना है और दोनों साइड से इक्वल हमने बॉर्डर के एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये एक हमारा जो डिज़ाइन है ये एडजस्ट हो गया। अगर मैं इसके साथ आगे कंटिन्यूएशन में इसे चाह रही हूँ, मैं इसे यहाँ से इतना इतना बाहर निकाल दूँगी, इवन यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके डाउन कर सकती हूँ इस फॉर्म में। अब इसी के ऊपर मुझे चाहिए कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा जूम आउट किया, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ ब्लैक। ठीक है, सेम यही वाली चीज़ थोड़ा सा इसे डाउन रख के शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, बल्कि थोड़ा सा ये चिड़ा हो गया, इसके सेंटर से स्टार्ट कर लेते हैं शिफ्ट एंड ड्रैग। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे जो डिफरेंट हैं मोटिव्स ओवरलैपिंग में वो बन जाएंगे, हम इन्हें अपने बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दुपट्टों के साइड्स पे बॉर्डर्स बड़े अच्छे से बने हुए होते हैं, वो हमने किस तरह से करने हैं वो खैर अलग चैप्टर है, उसका साइजिंग वगैरह, उसके साइड पे बॉर्डर किस तरह से ऐड करना है लाइक स्पेसिंग किस तरह से छोड़नी है वो मैं उस वाले सेगमेंट में बताऊँगी। अब इसमें फ़िलहाल हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने इस टूल के ऊपर किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, अब ये तो मेरा एक हो गया मोटिव, सेकंड मोटिव की तरफ आते हैं। एक न्यू लेयर बनाई और यहाँ से मैं इसे कंट्रोल जी इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करके फिर इसके साथ प्ले करेंगे। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा इसे क्लिक करके देख लेती हूँ कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। अब इसकी ओपेसिटी फुल ही रहने देते हैं, साइज जो है हम इसका थोड़ा सा छोटा कर लें, इतना साइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, अगला पॉइंट क्लिक शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग। ठीक है, अब ये हम इसमें ज़रूरी नहीं है एक ही बॉर्डर की रिपीट दें, हम डिफरेंट बॉर्डर कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे यहाँ से ऊपर तक पूरा ही लेके जाऊँ। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करके स्टार्ट कर रही हूँ, हाफ वे तक लेके जा रही हूँ, उसके बाद इरेजर टूल से सॉफ्ट इरेजर टूल लिया, इसका साइज बड़ा किया और इससे मैं हल्का हल्का इसे इरेज करके ब्लेंड कर दूँ तो थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए। इवन इन दोनों को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा सा वो एक मर्ज इफेक्ट में आ जाए। ठीक है, इरेजर टूल की भी प्रैक्टिस पहले की हुई है कि उससे हमने किस तरह से सॉफ्टनेस देनी होती है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की हुई मैं उनके साथ वीडियो लिंक शेयर कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा ब्रश टूल मेन है। इस ब्रश टूल से डिफरेंट इमेजेस आप लोगों ने सेव करके मुझे उसके किसी भी फॉर्म में टेक्सचर पैटर्न बना दो, जिस तरह ये मैंने स्क्वायर ग्रिड फॉर्म में किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से कर लो, या मोटिव्स की फॉर्म में प्ले करके पूरा कोई मोटिव्स के साथ कोई भी चीज़ बनानी है उस तरह से बना लो, या
सिंगल लाइन बॉर्डर डिज़ाइन वगैरह के साथ करना है, उस तरह से कर लो। थीम आप लोगों ने फिलहाल ये रखनी है इस्लामिक मोटिफ डिज़ाइन जो मैंने अभी इस वीडियो में किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 सैम्पल्स कोई भी A4 साइज़ के मुझे बना के तो आप लोगों ने सेंड कर देने हैं। और इस वीडियो में अगर कुछ भी ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे मैंने 3-4 टाइम मल्टीपल इसलिए एक्सप्लेन किया कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसी में क्लियर हो जाए, बट स्टिल अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।